हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम सेकंड क्लास का हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग बदलो, पहला टॉपिक है हमारा लिंग बदलो। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है या फिर बच्चों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के लिए भी आता है, तो दोनों तरह से ही बच्चों को लर्न होना चाहिए। मोर का क्या होगा? मोरनी। शेर का शेरनी। इसी तरह से यहाँ पर मेल वर्जन है, पुल्लिंग का मतलब मेल और स्त्रीलिंग का मतलब है फीमेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वचन बदलो, यानी एक और अनेक भी बोलते हैं इसको। एक को एक वचन बोलते हैं, अनेक को बहुवचन बोलते हैं। केला केले, यानी यहाँ पर सिर्फ एक एक चीज होगी, केला केले। किताब किताबे, अनेक का मतलब एक से ज्यादा। सब्जी सब्जियां, आंख आंखें। वस्तु वस्तुएं, सहेली सहेलियां। नेक्स्ट टॉपिक आता है विलोम शब्द। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स। जो भी शब्द यहाँ पर लिखा होगा आपका क्वेश्चन में, आंसर में आपको उसका विलोम शब्द मींस अपोजिट वर्ड लिखना है। रात का अपोजिट क्या होगा? दिन। ऊंचा नीचा, आदि अंत, एक अनेक, अमीर गरीब, उल्टा सीधा, सत्य असत्य। नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? नाविक। कपड़े सिलने वाले को हम क्या बोलते हैं? दर्जी। तो ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, और बच्चों को यहाँ पर जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो आंसर में लिखना होगा। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी, या एक क्वेश्चन आता है जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो किसी से ना डरे निडर। इस तरह से बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सही वचन चुनिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पौधा, पौधा क्या है? सिर्फ एक पौधा की बात हो रही है तो एक वचन होगा। केले, दूसरा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर केले, तो क्या होगा? वो बहुवचन में आएगा। तीसरा शब्द लिखा हुआ है किताबे, बहुवचन। अध्यापक, एक अध्यापक की बात हो रही है तो एक वचन। तो इसी तरह से हम जो भी शब्द एक वचन वाले हैं वो एक वचन के नीचे लिख देंगे, और जो शब्द बहुवचन वाले हैं वो बहुवचन के नीचे लिखेंगे। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध में बदलने के लिए आता है, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं कि जहां पर सही मात्रा लगानी है वो आपको यहाँ पर लगाकर आंसर में लिखनी है। जैसे टकरी, टकरी कुछ नहीं होता, टोकरी होता है, तो टा के आगे ओ की मात्रा लग जाएगी। पड़ पड़ कुछ नहीं होता, पेड़ प पे ए की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से कबूतर बा पे बड़े ओ की मात्रा। सराही नहीं होता, सुराही होता है, सा पे छोटे ओ की मात्रा, सुराही। खर, खर कुछ नहीं होता, खा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, खीर। तो यहाँ पर आपके शब्द अशुद्ध है उनको हमने शुद्ध में बदल दिया है। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। ये जंबल वर्ड्स भी जैसे आते हैं, आगे पीछे शब्द लिखे हुए हैं, और हमें यहाँ पर पूरा सही सेंटेंस बनाना है, पूरा सही वाक्य बनाना है। यहाँ पे खाने गई घास गैया, तो सही क्रम क्या होगा इसका? गैया घास खाने गई। को भोजन खाओ चबाकर, इसका सही वाक्य क्या होगा? भोजन को चबाकर खाओ। गिनती आती है एक से लेके 20 तक की, सेकंड क्लास के बच्चों को उसको हिंदी में उन्हें लिखना आना चाहिए। कि 1 से 10 तक तो फर्स्ट क्लास में करा दी जाती है, 11 से लेके 20 तक यानी 11 से लेके 20 तक उनको सेकंड क्लास में कराई जाती है। दिनों के नाम, मंडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। ट्यूजडे को मंगलवार। वेडनेसडे को बुधवार। थर्सडे को बृहस्पतिवार। फ्राइडे को शुक्रवार। सैटरडे को शनिवार। संडे को रविवार। समय से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, जैसे कि यस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, हेयर यहाँ, हेयर वहाँ, क्विकली जल्दी से, स्लोली धीरे से, ऑलवेज हमेशा। तो ये सारे वर्ड्स कुछ स्कूलों में नहीं कराए जाते हैं, 3 वर्ड्स मेनली कराए जाते हैं, यस्टरडे टुमारो एंड टुडे, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, और इनको वाक्य में भी यूज करना बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो भी इनमें से कराया जाए स्कूल में आप वही कराइए, सारा कराने की जरूरत नहीं है।
शरीर के अंगों के नाम हिंदी में जैसे बच्चों को इंग्लिश में तो पता हो जाते हैं फर्स्ट क्लास तक, आईज, नोज, हैंड, फिंगर, पर हिंदी में उनको पता होने चाहिए कि उनको क्या बोलते हैं, तो वो सब सेकंड क्लास में कराया जाता है। समान लय वाले शब्द, नल, फल, केला, ठेला, अंडा, डंडा, सोना, रोना, ठीक है, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। रंग बताओ, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, पिक्चर भी बनी रहती है उसकी, और उसका आपको रंग बताना होता है कि टमाटर का रंग क्या है? लाल। संतरे का रंग क्या है? संतरी। आसमान का रंग क्या है? नीला। तोता हरा। जामुन बैंगनी। इससे बच्चों को कलर का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स। एक जैसे अध्यापक को हम और क्या बोलते हैं? गुरु भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं। कुछ स्कूलों में एक एक वर्ड ही कराया जाता है, कुछ स्कूलों में एक से ज्यादा वर्ड कराए जाते हैं, इसलिए मैंने दो दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। गाय को सुर भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं, जल को पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पेड़ को वृक्ष और तरु भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाषा। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों को लर्न करनी होती है। इसके 4 टाइप्स यहाँ पर देखिए, बोलकर हम अपनी भाषा बता सकते हैं, लिखकर हम अपने जो हम बताना चाहते हैं लिखकर भी हम किसी को बता सकते हैं, सुनकर किसी की बात सुनकर हम उसकी भाषा को समझ सकते हैं, और जिसने कोई भाषा लिखी है उसको पढ़कर हम उस भाषा को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है संज्ञा। इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई है। नाम किसी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, रमन, सीता, गीता, या फिर हम जैसे माँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी, ये सब भी हमारे नाम की कैटेगरी में ही आते हैं। डॉक्टर कोई भी ऑक्यूपेशन है, कारपेंटर, बार्बर, डॉक्टर, टीचर, वो सब भी हमारे क्या होते हैं? संज्ञा ही होती है। बच्चा, लड़का, लड़की, तो ये सब हमारे व्यक्ति और नाम की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट, वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग, वो किस कैटेगरी में आती है? वस्तु की कैटेगरी में आती है। जैसे किताब, मेज, पेंसिल, खिलौना, पंखा, रिमोट, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ग्लास, बॉटल। नेक्स्ट, स्थान, कोई भी प्लेस, दिल्ली, मथुरा, रायपुर, आगरा, इंडिया, अमेरिका, ये सब हमारे स्थान की कैटेगरी में आता है। पशु पक्षी, मोर, शेर, मछली, कबूतर, ये सब हमारे। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में संज्ञा छांटने के लिए बोलते हैं और ये सब सारे शब्द आपको मिलते हैं तो वो संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। उसको सर्कल करने के लिए बोला जाता है या फिर अंडरलाइन करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्वनाम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, उसका, आपका, तुम्हारा आदि। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा नाम आशा है, और आशा को खाना खाना बहुत पसंद है, आशा को गाना गाना बहुत पसंद है, आशा को खेलना बहुत पसंद है, आशा को टीवी देखना बहुत पसंद है, तो बार बार आशा बोलने की जगह मैं यूज करेंगे या मुझे यूज करेंगे। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे खेलना बहुत पसंद है, बार बार किसी का नाम लेना ऑकवर्ड लगता है, तो उसकी जगह हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट मीन्स सर्वनाम यूज करते हैं। जैसे कि हम, जैसे किसी का नाम मान लीजिए रवि है, रवि स्कूल जाता अगर हूं तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मैं स्कूल जाता हूँ। रवि अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो वो मैं कहकर बताएगा, या मेरे स्कूल का नाम डैश है, जो भी स्कूल का नाम है तो वहां पर अपना नाम नहीं लिया जाएगा, मेरे बोला जाएगा। उसका नाम आशा है, हम किसी को भी संबोधित कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैं और उसका क्या हो गया? आपका सर्वनाम। इसी तरह से वाक्य दिए जाते हैं,
उसमें अंडरलाइन या सर्कल करने के लिए बोला जाता है बच्चों को कि सर्वनाम छांटिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है विशेषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन से विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। रंग, नाप, कहने का मतलब है कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो वो सब जो है विशेषता ही होती है किसी की। नंबर, जैसे कि मेरे पास दो कार है, तो दो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसकी विशेषता हो जाएगी कार की। या मेरे पास 10 साइकिल है, मेरे पास 20 चॉकलेट है, तो ये 20, 10 जो भी नंबर होंगे वो आपकी विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। मेरे पास एक नया खिलौना है, मेरे पास दो पुरानी कारें हैं, इस फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या है, फीलिंग्स। वह रो रहा है, तो रोना क्या हो गया यहाँ पे, उसकी विशेषण विशेषता हो गई कि वो इस टाइम रो रहा है। या वह लड़का बहुत खुश है, तो खुश यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, यह फूल लाल है, तो यहाँ पे फूल का कैसा रंग है, लाल, तो फूल की विशेषता बता रहे हैं। मैंने एक विशाल हाथी देखा, एक नंबर हो गया यहाँ पर, और विशाल उसका नाक हो गया किस तरह का है, तो ये उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके अलावा बच्चों को जानवरों के नाम कराए जाते हैं, 5-5 ही जनरली कराए जाते हैं, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया है, इनमें से कोई बच्चे को हार्ड लगे तो ये करा सकते हैं। शेर, चीता, भालू, घोड़ा, गाय, बैल, हाथी। सब्जियों के नाम, आलू, गोभी, टमाटर, कटहल, खीरा, गाजर, पालक, भिंडी। फलों के नाम, आम, अनार, केला, सेब, अंगूर। रंगों के नाम, लाल, हरा, नीला, पीला, काला। जनरली बच्चों को 5-5 ही लर्न कराए जाते हैं स्कूलों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।